कुछ सीखा। मैं एज अ मिडफील्डर खेलता हूँ टीम में, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, जैसे पासिंग, ड्रिबलिंग, मतलब पास कैसे दिया जाता है। मैं अपने कोच का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब खिलाते हैं, और जो को भी फीस हो, टूर्नामेंट फीस हो, वो अपने जेब से देते हैं, हमें वो कुछ नहीं लेते हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मतलब वो जितना ध्यान मतलब अपनी पढ़ाई पे देता है, उतना ही थोड़ा वक्त मतलब अपनी ये स्पोर्ट्स भी दे दे। मुझे इस एकेडमी में 2 साल हुए, मैंने यहाँ पर डिफेंस सीखा, ड्रिबलिंग सीखी और पासेस सीखे। हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने को मिलता है, हम कोच के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका दिया। मैंने फुटबॉल एकेडमी, जिसका नाम ऐसे फुटबॉल एकेडमी गाड़ूरा है, 2021 में मैंने ये स्टार्ट की। हम यहाँ पर अंडर 14 के बच्चों को भी सिखा रहे हैं ट्रेनिंग में। अब हमें अभी खाली पासिंग सेशन और वार्म अप सेशन सिखा रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे आगे बढ़कर अंडर 16 में हम प्रोफेशनली खिलाते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैच भी खिलवाते हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा बनाते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर स्पेशली 8, 12 और 14 के एज ग्रुप से जो ग्रास रूट लेवल पर हम फुटबॉल पे काम कर रहे हैं, तो हम अभी ग्रास रूट लेवल पे ही काम कर रहे हैं। स्पेशली 8, 12 और 10, 14 के एज ग्रुप में हम अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था तो तब मेरे पास 10 या 12 स्टूडेंट थे, वो अंडर 14 के एज ग्रुप के थे, तो धीरे धीरे जब मेहनत की हमने तो आगे टीम निकल आई, तो डिस्ट्रिक्ट में जाके खेले दूसरी टीमों के साथ, तभी लड़कों का शौक बढ़ा। तो अभी हमारे पास अंडर 14 के कम से कम 16-17 लड़के हैं, और अंडर 16 के भी 17 और 18 लड़के हैं अभी। इससे मैं अभी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर खिला रहा हूँ, अपनी तरफ से बॉल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से यूनिफॉर्म्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो जो भी मुझे इक्विपमेंट लगता है इधर, चाहे वो कोन्स है, मार्कर्स है, रिंग है, पैराशूट है, स्टेपर है, लैडर है, मैं किसी को चार्ज नहीं करता हूँ यहाँ पर फी। वो आए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से, वो भी आए और देखे यहाँ पर कैसा माहौल है, हम कैसे खिलाते हैं, तो इस वो फिजिकली भी फिट रहेगा बच्चा और मेंटली भी फिट रहेगा। तो गेम जितना फोकस आप पढ़ाई पे करो, उतना 10% अगर आप गेम पे करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है।